होंडा शोरूम जो है ना, तो वहाँ पर हम, मैं और हमारे 70 रुपये बोलकर दोस्त हैं, तो उनके साथ हम दोनों जने गए थे ज़रा काम से। तो एक्चुअली हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से हम रुका है, हमारे दोस्त को फ़ोन करे पेट्रोल की वजह से लेकर आए बोल के, तो बोलने की वजह से वो क्या हुआ, एक 10 से 8 जने आए गाड़िया पे, आते ही सीधा डराना चालू करे, फोना काटो, ये काटो, वो काटो बोल के डराए हमारे को। डरा को क्या है मालूम, सीधा मारना चालू करे अपने को, इधर मारे और यहाँ पे पीछे पीठ पे और बंडे, वहाँ से हम लोग भाग कर निकल गए। मालूम ही नहीं हम लोग ठहरे में, आते सीधा हमला चालू, कायरे वो ये उसकी भाषा में थोड़ा गाली गलौज वो करा, हम बोले कहीं गाली गिली कर रहा बोल के हम उसको पूछे भी, पूछने के बाद भी सीधा आते ही हमला करना चालू। आज गुब्बी कॉलोनी आदर्श कॉलोनी के करीब करीब बापू नगर में शाम में 8 बजे के टाइम पे 3-4 नौजवानों को वहाँ पर कुछ झगड़ा हुआ, झगड़े होने के होने की वजह अभी मालूम नहीं है। तो मैं यहाँ पर बहिमनी हॉस्पिटल में 3 नौजवान घायल हैं, एक को सिर को मार लगा है, एक को पैर को मार लगा है। तो मैं गुलबर्गा के पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ कि इसकी वजह क्या है, इतना बुरा मारने की वजह क्या है। अगर कुछ बच्चे ये गलती करें या वो गलती करें तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है कि इसमें देखना चाहिए वजह क्या है, वजह तक और इसकी रीज़न मालूम करना चाहिए। इस तरीके से अगर नौजवान बच्चों को अगर मारा जाए, कुछ होता रहा, कुछ हादसा हो गया, खुदा ना खास्ता नहीं हुआ फिलहाल, तो मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट से इस केस को सीरियस लें और इसके पीछे कौन कौन है, क्या वजह है, देखें, देखकर इस केस को स्ट्रॉन्ग करें। और पूरे उनके रिश्तेदार यहाँ पर हैं, मैं इंशाल्लाह कल ब्रह्मपुर सर्कल से भी मिलूंगा और एसीपी से भी मिलूंगा। तो शहर में फिर एक बार अफवाह फैल चुकी है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मगर अल्लाह का फजल है तीनों बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। तो डिपार्टमेंट जल्द से जल्द इस केस को सीरियस लें और किस तरीके से हैंडल करना है, क्या है, हमसे भी कुछ अगर मदद होती है तो हम डिपार्टमेंट को मदद भी करने तैयार हैं। इस केस को सीरियस लें और गुलबर्गा शहर के अंदर आने वाले दिनों में ऐसे केस नहीं होना चाहिए, समझाना चाहिए, एक प्रोग्राम करना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हर जगह हर एरिया में क्राइम कंट्रोल का, जैसे 2-3 प्रोग्राम हो चुके हैं।